में 15 अक्टूबर से बंद होने जा रही गंग नहर से व्यापारी नाराज हैं, जिसे लेकर व्यापारियों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गंगा बंदी के आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है। गंगा बंदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि एक तो सरकार 15 अक्टूबर से ट्रेन चलाने जा रही है, वही दूसरी तरफ 15 अक्टूबर से ही हरिद्वार में गंग नहर को बंद किया जा रहा है। गंग नहर बंद होने से हरिद्वार में यात्री नहीं आ पाएंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कोरोना की वजह से पहले से ही व्यापारी भुखमरी की कगार पर हैं। गंगा बंदी के चलते व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सभी व्यापारियों ने गंगा बंदी के फैसले को वापस लिए जाने की मांग की है और साथ ही साथ गंगा बंदी वापस न लिए जाने पर एक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गंगा बंदी 15 अक्टूबर की जगह 15 नवंबर से कर दी जाए, एक महीना ये जो सीजन है यात्रियों का, ये यात्रियों का सीजन हमें मिल जाए तो व्यापारी को कुछ लाभ हो जाएगा। नहीं तो आप देख लीजिए, 3 महीने ट्रेनें बंद रहीं तो व्यापार बंद रहा, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, 4 महीने से लॉकडाउन का व्यापार बंद रहा, 3-4-6 दिन से व्यापार खुला है। व्यापार खुला है तो व्यापारियों को आशा जागृत हुई है। अब व्यापारियों की आशा फिल्म दुम हो जाएगी जब गंगा बंदी हो जाएगी, तो यात्री कौन आएगा यहाँ पे? गंगा बंदी होती तो आगे विरोध करेंगे, क्या करेंगे? विरोध करेंगे और निवेदन करेंगे, विरोध करेंगे शासन से कि इसको बढ़ा दिया जाए आगे। ये गंगा बंदी का हम विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। हरिद्वार के व्यापारी, हरिद्वार के व्यापारी को साथ ये मजाक हो रहा है। उधर एक तरफ तो आप 15 अक्टूबर से ट्रेनें चालू करने जा रहे हो, दूसरी तरफ आप 15 अक्टूबर से गंगा बंदी करने जा रहे हो, तो यात्री आएगा कहाँ हरिद्वार में? फिर हरिद्वार में तो सब कुछ गंगा के नाम पर यात्री आता है, टूरिस्ट आता है। व्यापारी पहले 5-6 महीने से लॉकडाउन झेल रहा है, व्यापारी छुप नहीं रहने वाला। अरे ये कहीं ना कहीं गंगा बंदी के चक्कर में खनन माफियाओं को खनन के लिए बहुत लंबा बाधा पहुँचाने की एक प्लानिंग चल रही है। खनन ही होता है इसके अंदर, और क्या होता है गंगा बंदी के नाम पर?